एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप लोगों के साथ एक ऐसी हेयर ग्रोथ रेमेडी शेयर करने वाली हूं जो आपके बालों को घना बनाएगी। हेयर ग्रोथ 20x बढ़ेगी, 20 गुना जल्दी बाल आपके बढ़ेंगे। साथ ही साथ ये हेयर फॉल को जड़ से खत्म करेगी। जी हाँ, ये रेमेडी है पान के पत्ते की। सुनकर हैरानी होती है ना, जिस पान को आज तक आपने माउथ फ्रेशनर के रूप में चबाया, वही पान आपके सिर पर बालों को उगा सकता है, बालों को घना कर सकता है। अगर आपकी चोटी दिनों दिन पतली होती जा रही है, हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम आपको हो रही है, तो ये पान के पत्ते का हेयर पैक लगाना बहुत लाजमी है। बिन खर्चे की हेयर रेमेडी है ये, लेकिन इसके सामने महंगे महंगे हेयर ट्रीटमेंट्स जो सैलून में जा करके, पार्लर्स में जा करके आप लेते हो, वो फेल है। मैंने पिछले कुछ दिन इसको ट्राई किया और मुझे अमेजिंग फायदे मिले, सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो करना क्या है, आपको दो पान के पत्ते लेने हैं। पान के पत्तों में होता है ढेर सारा विटामिन सी, साथ ही साथ पान के पत्तों में होती है एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज। ये आपके स्कैल्प में होने वाले किसी भी इंफेक्शन को खत्म करता है, डेंड्रफ को खत्म करता है, और अगर आपके बालों में इचिंग की प्रॉब्लम है उसको भी दूर करता है, बालों को सॉफ्ट एंड शाइनी बनाता है, क्योंकि इसके अंदर होता है ढेर सारा कैरेटिन इंक्रीजिंग कंपाउंड जो कि आपके बालों को प्रोटीन देता है। बालों के लिए पान का पत्ता एक आयुर्वेदिक औषधि के समान है, तो इसका जरूर यूज कीजिए। इसको खाइए भी और इसको लगाइए भी। दो पान के पत्ते लिए, अच्छे से धो लिया है मैंने इनको। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ करी लीव्स, एक मुट्ठी भर करी लीव्स लेंगे। करी लीव्स में कुछ ऐसे इसेंशियल ऑयल्स होते हैं जो कि आपके बालों को घना बनाने के लिए और किसी भी तरह के हेयर फॉल को रोकने के लिए बहुत असरदार है। साथ ही साथ करी लीव्स सफेद बालों को काला करने और प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर को रोकने के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं, देश के कौन से कोने, कौन से शहर, कौन से कस्बे से देख रहे हैं, जरूर मुझे बताइए, मुझे जानकर खुशी होगी। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल मत भूला कीजिए और कमेंट जरूर किया कीजिए। आपका एक लाइक मुझे इंस्पायर करता है आप लोगों के लिए नए नए वीडियोज लाने की। अगर आपने ऑलरेडी लाइक कर दिया है तो आपको मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं। आई एम श्योर मेरी दुआएं आप तक जरूर पहुंचती होंगी। चलिए बताती हूँ कि आगे क्या करना है। करी लीव से कैसे हेयर ग्रोथ होती है, इसकी रेमेडीज और इसके नुस्खे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो करी लीव्स भी एक बहुत जाना माना इंग्रेडिएंट है आपके हेयर फॉल को रोकने और हेयर ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। करी लीव्स को आप अच्छे से धो लीजिएगा और अब इन दोनों चीजों को आपने मिक्सी के जार में डाल देना है और थोड़ा सा पानी या फिर रोज वाटर मिला करके अच्छे से पीस लेंगे, महीन पेस्ट बना लेंगे कुछ इस तरह से। इसके बाद हम इस पेस्ट को स्ट्रेन करेंगे और हमें पान के पत्ते और करी लीव्स का रस मिल जाएगा कुछ इस तरह से। अब इसमें दो चीजें हम और ऐड करेंगे। पहली चीज है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आपके स्कैल्प के पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है, और अगर आपकी स्कैल्प का पीएच बैलेंस अच्छा है तो आपको हेयर फॉल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आपके हेयर फॉलिकल्स हेल्दी होते हैं और बाल बहुत ही जल्दी बढ़ते हैं, बाल घने भी होते हैं। तो तकरीबन 2 से 3 चम्मच मैं यहाँ एलोवेरा जेल मिला रही हूँ। और नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है कैस्टर ऑयल, यानी कि अरंडी का तेल। अरंडी का तेल बालों के लिए वरदान है जब बात आती है हेयर ग्रोथ करने की। अगर हेयर ग्रोथ हो ही नहीं रही है, और सर्दियों में तो बहुत सारे लोगों की हेयर ग्रोथ नहीं होती, तो अरंडी का तेल अपनाइए। बट इसे डायरेक्टली कभी भी यूज नहीं किया जाता, इसे किसी ना किसी कैरियर ऑयल में डालकर ही यूज किया जाता है या फिर किसी रेमेडी में मिला करके यूज किया जाता है। तो यहाँ हम 1 से 1.5 चम्मच अरंडी का तेल डालेंगे। सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमारी हेयर ग्रोथ रेमेडी बन करके तैयार है, जो हेयर ग्रोथ को बहुत स्पीडली बढ़ाएगी और साथ ही साथ आपके बालों को हेल्दी बनाएगी। इसे लगाने के बाद मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि मेरे बाल बहुत सॉफ्ट और शाइनी भी होते हैं, और साथ ही साथ हेयर ग्रोथ हुई है मेरी बहुत अच्छे से पिछले 2 महीने में। तो इसको यूज करना बिल्कुल बनता है। इस हेयर मास्क को लगाएंगे हफ्ते में 2 बार। इसे बना करके भी रखा जा सकता है, आप इसे हफ्ते से 10 दिन के लिए फ्रिज में बना करके स्टोर कर सकते हैं, यानी 1 वीक का। 2 से 3 बार अगर आप हेयर वॉश करते हैं हफ्ते में, तो 1 वीक का आप बना करके रख दीजिए और
व्हेनेवर यू वॉश योर हेयर, उससे 1 घंटा पहले अपने बालों में लगाइए, उसके बाद बालों को शैम्पू कर लीजिए। इसके बाद कंडीशनर करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये आपके बालों के लिए प्री कंडीशनिंग ट्रीटमेंट का भी काम करेगा। तो कंडीशनर की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है अगर आप ये मास्क बालों को धोने से पहले यूज करते हैं। और यूज करके कैसे रिजल्ट्स मिले जरूर मुझे बताइएगा। कल मिलूंगी आपसे अमेजिंग वीडियो के लिए। तो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, नहीं किया तो अब जरूर कर लीजिए, मेरी मोटिवेशन को बढ़ाइए। मैं मिलूंगी आपसे एक और अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। बाय बाय।